तो दोस्तों लेके आ चुका हूँ बम्पर भर्ती, जो कि नॉन टीचिंग और टीचिंग पदों पे भर्ती है। चाहे वो नॉन टीचिंग का जॉब पाना चाहते हो या स्कूल टीचर्स की वैकेंसी का जॉब पाना चाहते हो, तो बस आपके लिए ये वैकेंसी और काफ़ी पदों पे भर्ती है। काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी है, चाहे वो PGT हो, TGT हो, PRT हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो, और भी बहुत सारे पदों पे भर्ती है। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड वाले के लिए भी लेके आ चुका हूँ बहुत बड़ी भर्ती। तो बस आपको ये वीडियो देखना होगा लास्ट तक। और अगर आप टीचर्स की जॉब पाना चाहते हो तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है, घंटे का बटन है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि भर्ती का जो भी आने वाला अपडेट है वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए, आप देख रहे हो टेक्स्ट 3, मैं सिंह, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो वैकेंसी आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ, 1305 पदों पे है, नॉन टीचिंग और स्कूल टीचर्स के पदों पे भर्ती है, जिसमें देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट इसका 16 तारीख है, तो 16 तारीख के पहले आपको कर लेना है आवेदन। पदों की बात करूँ तो टोटल पोस्ट हैं 1305 पदों पे भर्ती है। वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, PGT, TGT, PRT, असिस्टेंट इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, और भी बहुत सारे पदों पे भर्ती है। काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी हुई है उसको चेक कर लीजिए और फटाफट कर लीजिए आवेदन। साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूँ, तो अगर आप 10वीं 12वीं मास्टर डिग्री, BEd, MBBS, MD, नर्सिंग, BEd, BTech, स्नातक कुछ भी पास हो तो आप कर सकते हो अप्लाई। आवेदन का जो बात है दोस्तों, आपका पेमेंट स्टार्ट होगा 18,000 से और लास्ट रहेगा 1,42,000 तक। और आयु सीमा की बात करूँ तो दोस्तों विभिन्न पदों के लिए सबके लिए अलग अलग है। मैक्सिमम 55 साल तक है, तो 55 साल तक कोई भी कर सकता है अप्लाई, और 35 से 55 साल तक है मैक्सिमम, और बाकी का नॉर्मल जो है आपका स्टार्टिंग रहना चाहिए 20-18 से, अगर आपका रहेगा तो आप कर सकते हो अप्लाई। तो दोस्तों 18 प्लस हो और 35 से अधिक नहीं है तो आप टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन फॉर्म फीस की बात करो तो ग्रुप ए के लिए है 1,000 रुपये, जो कि जनरल OBC में आता है। समूह बी के लिए है, जो कि जनरल OBC के श्रेणी के हैं उनके लिए है। और जनरल ये बात करूँ तो यहाँ पे अन्य श्रेणियों के लिए, दिव्यांग के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर बात है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो ग्रुप ए और बी में वैकेंसी निकली है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग पेमेंट देना पड़ेगा। हालाँकि अगर अन्य श्रेणी के SC ST या अदर कास्ट के लोग कोई भी कर सकता है अप्लाई, तो उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। दोस्तों नौकरी प्रकाशित है, फुल टाइम के लिए आपका सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेस में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने लिंक दिया हुआ है, तो फटाक से चेक कर लीजिए और फटाफट कर लीजिए आवेदन। और ऐसे बहुत सारे भर्ती का अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश से, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप दोबारा मैसेज मत कीजिएगा कि सर वैकेंसी कहाँ से निकली है, उत्तर प्रदेश से निकली है। और काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, तो ये वैकेंसी उनके लिए है। तो दोस्तों मिलता हो एक न्यू साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।